बच्चों, अगर आपको नीट के अंदर 650 मार्क्स लेके आने हैं तो ये ज़रूरी है कि फिजिक्स के अंदर आपके 140 या 150 मार्क्स कम से कम आने चाहिए। इससे ज़्यादा आए तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे बेटर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन समस्या ये है कि लोगों के मैक्सिमम लोगों के जिनसे हमने इंटरेक्ट किया थ्रू वीडियोज़ एंड थ्रू लाइव क्लासेज एंड ऑल, तो पता चलता है कि वो 30-40% के ऊपर अटके हुए हैं फिजिक्स के अंदर, मार्क्स के अंदर। और हमने ये सोचा कि इस 30% मार्क्स से हम 80% या 90% या 85% मार्क्स के ऊपर कैसे पहुंचेंगे। और फिजिक्स के अंदर अगर हम 80-85% मार्क्स नहीं लेके आते, मतलब 140-150 मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट 650 मार्क्स इन नीट। तो इसीलिए आज मैं हमारे जो फिजिक्स के चैंपियन हैं अभिषेक सर, उनको मैंने आज बुलाया कि भैया आप बताओ कि बच्चे जो है वो 650 नंबर लेके कैसे आएंगे और आपके सब्जेक्ट के अंदर 150 नंबर कैसे आएंगे, 140 मार्क्स कैसे आने वाले हैं। तो अभिषेक सर का स्वागत है, और सर अब आप शुरू सबसे करिए। पहली बात ये कि फिजिक्स में ऑब्वियसली बात है, फिजिक्स की बात है, सभी सब्जेक्ट्स में मिस्टेक होती हैं, लेकिन बात ये है हम उन मिस्टेक से क्या सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो सर हम लोगों का है वो ये है कि मिस्टेक एक बार हो तो ठीक है, लेकिन मिस्टेक अगर दोबारा हो रही, मतलब कोई क्वेश्चन का बटा करे हैं, मान लो अगर कहीं पे रेजोल्यूशन का क्वेश्चन है और आपको रेजोल्यूशन में दिक्कत है, तो एक बार मिस्टेक हो रही है तो कोई बात नहीं, इट मीन्स इट इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जितनी मिस्टेक हो रही है उतनी ये बात भी सही है। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपको टारगेट ऐसा करना है कि एक बार वो मिस्टेक हो गई तो उसका सलूशन देखिए या टीचर से पूछिए, जिससे भी पूछिए, लेकिन अगली बार वो क्वेश्चन आए तो आपसे हो जाना चाहिए। राइट। तो ये एक चीज है, इस तरह से भी करेंगे तो वो काफी कुछ सीखेंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक बार गलती करते हो तो वो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर वही गलती जब दोबारा करते हो तो आप इट इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गलती दुनिया में अगर आप कोई करो तो सिर्फ एक ही बार करो, उसी के अलावा दूसरी बार करने का मौका नहीं है। और तीसरी बार अगर कर दी तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है, मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, अगर मैं 3 बार गलती करता हूं तो सेम वो गलती। तो उनको मिलेगा ही नहीं, नीट में सिर्फ दो चांस हैं, दे विल नॉट गेट द एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी। हाँ, 1 साल में 2 चांस है ना, मतलब हाँ, ऐसा मत समझना कि उसके बाद नहीं दे सकते। हाँ, 1 साल में 2 चांस। हाँ तो अब फिर बच्चों उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि हम, जैसे हमने कहा कि क्वेश्चन में गलती हो तो सीखना है, तो क्या मतलब, तो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो सर जो कीवर्ड्स आते हैं, मतलब सवाल से सवाल। हाँ, हाँ क्वेश्चन द क्वेश्चन। राइट राइट राइट। तो क्वेश्चन द क्वेश्चन मतलब सवाल से सवाल करो तो सवाल खुद जवाब दे देगा, यही कहना चाहते हैं सर बिल्कुल आप। सर बिल्कुल। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन से क्वेश्चन ये क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन का मतलब बच्चों ये है कि हाँ ऐसे, ये एक्चुअली पॉइंट टू था हमारा, तो इसमें बच्चों मतलब ये है हमारा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन सरफेस है, तो ये पूछो कि ये क्यों कह रहे हैं, क्यों ये एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे हैं, क्यों ये पेज बर्बाद कर रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है। हाँ, ऐसे ही और दूसरे चैप्टर्स में भी हो सकता है, जैसे एक्सेलरेशन में हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो जाता है कि एक पार्टिकल, एक चार्ज फिक्स है, एक मूविंग है, दोनों हाँ मूविंग है, तो एक क्वेश्चन करो आप। राइट। जैसे क्वेश्चन में आपको फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं, तो अभी पूछो कि अगर मैं एक को फिक्स कर दूंगा तो फर्क क्या पड़ेगा। तो उससे सर फायदा क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं, और टाइम मैनेजमेंट, राइट, टाइम इज द सबसे वैल्यूएबल असेट दैट वी हैव। राइट राइट राइट। उस तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा टेक अवे है कि पहली बात ये कि गलती अगर हो गई तो उसका एनालिसिस करो कि वो गलती क्यों हुई और वो रिपीट ना हो। दूसरा एनालिसिस ये हो गया कि क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ लो, और फिर वो आपको खुद ही बता देगा कि ये रही हिंट और ये रहा जवाब। ठीक है, और क्या पॉइंट हो सकता है उसका सर? सर ये भी एक बेनिफिट है कि एक ही क्वेश्चन से ना आपको, अगर आप ये अप्रोच इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके एक ही क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे, और जैसे बच्चा करते हैं कि एससी वर्मा से क्वेश्चन कर लिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन कर लिए, उसकी हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी आपकी। हाँ बोलते हैं ना, हाँ क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। राइट। तो सर इसमें एक और बात याद आती है कि डायग्राम, फिजिक्स में बच्चों डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आपने हाँ क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया तो डायग्राम में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको आप संक्षेप में, मतलब आपने उसको ब्रीफली आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कि सर रिलेटिव मोशन आता है, रिलेटिव मोशन में बहुत हेल्प होती है, मैकेनिक्स में आपको सबको पता ही है, हाँ और एक्चुअली में ये फैक्ट है कि अगर आपने मैकेनिक्स में या फिर और भी किसी टॉपिक में अगर आपने डायग्राम करेक्ट बना लिया तो 60% क्वेश्चन तो आपका वहीं पर सॉल्व हो गया। हाँ और क्या चाहिए आपको? डायग्राम से उसका विजुअलाइजेशन आ जाता है, वो दिखने लग जाता है कि अरे ये ऐसे कैसे करके काम होने वाला है, और आपको विजुअलाइज ना भी हो रहा हो ना, अगर डायग्राम सही बना लिया हाँ तो वो अपने आप आ जाता है ऑटोमेटिक। राइट राइट राइट। तो एक बड़ी कहावत थी हमारे सर कहा करते थे कि डायग्राम मेक्स द प्रॉब्लम डायग्राम,
तो ढाई ग्राम की अगर प्रॉब्लम, हाँ लिखो लिखो सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रॉब्लम इफ द डायग्राम इज मेड देन इट विल बिकम ए ढाई ग्राम प्रॉब्लम. तो डायग्राम मेक्स द प्रॉब्लम ढाई ग्राम. तो ढाई ग्राम की अगर प्रॉब्लम बनानी है तो फिर आपको डायग्राम बनाना ही चाहिए. ठीक है, तो मैं हिंदी में मत जाना लेकिन मतलब समझ नहीं, हिंदी बहुत अच्छी है सर आपकी. तो डायग्राम के सवाल के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने जोड़ना चाहता हूं कि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं कि मैं क्या करूं, कहां से क्वेश्चन करूं, कैसे करूं, ये चैप्टर तो मैंने लेक्चर तो सुन लिया लेकिन उसके बाद अब प्रैक्टिस कहां से करूं. और उसके लिए आप 10 तरीके के लोगों से बात करते हैं और वो आपको 10 आंसर देते हैं और आप जो है उन सारी किताबों को और उन सारे स्टडी मटेरियल को ले आते हैं और उनको करने लग जाते हैं और आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं. ठीक है, दो नाव में सवारी करने वाला गड़बड़ा जाता है. बहुत से बच्चों ने तो घर पे लाइब्रेरी खोल ली है, बुक्स की लाइब्रेरी खोल ली है, आ गई उनके पास. तो मेरे भाइयों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नीट प्रेप की वेबसाइट से पढ़ाई कर रहे हैं है ना, और नहीं भी कर रहे तो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने क्वेश्चन अवेलेबल है वो इतने परफेक्शन के साथ उसमें डाले गए हैं कि उसके बाहर का एक भी सवाल करना ज़रूरी नहीं है. अगर आपने टाइमली कंसिस्टेंटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है. इसलिए कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू वॉन्ट योर सिलेक्शन तो टाइमली उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो. जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका उसके अंदर परफेक्शन आएगा. मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहूँगा, बच्चों क्वेश्चन आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है ना, कहीं और आपको दिक्कत किसी क्वेश्चन में आती है तो उस केस में क्या होता है कि आप डाउट्स नहीं पूछ सकते हैं. लेकिन हमारे क्वेश्चन, हमारे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें खासियत यह है कि उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन आपको स्टिल नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द डाउट सेक्शन और विद इन 24 आवर्स हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं. तो वी आर सो मच डेडिकेटेड फॉर योर सक्सेस. थैंक यू. ठीक है, ऑल द बेस्ट.